हरदोई के विकासखंड कछौना की ग्राम सभा त्योरी मतुआ के त्योरी के खुले में शौच मुक्त की जमीनी हकीकत को जानने के लिए प्रभारी मंत्री अनिल राजभर सोमवार को सुबह पहुंचे। प्राथमिक पाठशाला त्योरी के ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री जी ने कहा कि वर्तमान समय में भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत है, गाँव के विकास के लिए सभी को सहयोग करना होगा जिससे देश का समुचित विकास हो, शौचालय का प्रयोग करें जिससे बीमारी से बचेंगे, सभी योजनाएं पारदर्शिता के साथ लागू हो रही हैं, पात्रता सूची के आधार पर शौचालयों एवं आवास योजना का लाभ मिलेगा, गांवों को खुशहाली के रास्ते पर कैसे ले जाएं इसके लिए सबको मिलकर कार्य करना होगा। कोई समस्या एक दिन में खड़ी नहीं हो जाती है, न ही एक दिन में दूर हो जाती है। पूर्ववर्ती सरकार ने यह दुर्दशा विरासत में दी है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, समस्याओं का निराकरण अवश्य होगा, हम पूरी तरह आश्वस्त कर रहे हैं। शौचालय बीमारी यापन करने के लिए शौचालय का प्रयोग करना आवश्यक है। जब देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लगाने का कार्य करके हम सबको स्वच्छता का संदेश देते हैं तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता गांव का कोई व्यक्ति खुले में शौच ना जाए। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के नाम से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, हम सब मिलकर आपकी बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। 70 वर्ष से जो व्यवस्था बिगड़ी चल रही है उसको ठीक करने में समय लगेगा। गरीबों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना शुरू की जिससे गरीब व्यक्ति इलाज के अभाव में असमय मृत्यु के घाट ना उतरे। सड़कें अच्छी होंगी, विद्युतीकरण में युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलकर बिचौलिया को खत्म किया जाएगा जिससे योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में जाए। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार ने जिले के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र व्यक्तियों के आवेदन फॉर्म जमा कराकर योजना का लाभ दिलाने का कार्य करें, जिस पर संबंधित अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। मंत्री के जाते ही आला अधिकारी भी मौके से रुखसत हो गए। आम गरीब बेबस आदमी को निराशा ही हाथ लगी, कार्यक्रम खानापूर्ति तक सीमित रहा। ग्रामीणों ने विद्युत जर्जर लाइन को बदलवाने, पेंशन का लाभ, बगौली बनियान खेड़ा माइनर की टेल तक सफाई, ग्राम स्थित तालाब में जलभराव की निकासी की समस्याओं से अवगत कराया। शौचालय बना है उसका हम प्रयोग करें, हमारी एक भी बहन बाहर नहीं जानी चाहिए, हमारी एक भी माताएं बाहर नहीं जानी, हम उसका प्रयोग करें सफाई से, इसी बात के लिए, इसलिए कि सफाई नहीं रखेंगे तो बीमारी होगी, अब बीमारी होगी तो कितना पैसा घर का चला जाएगा, जन की भी हानि हो सकती है, किसी की जान भी जा सकती है। तो इन सब बातों पर हम सब लोगों को ख्याल रखना है और देश में अपना हम लोगों को सहयोग देना है। गांव घर में गुटबाजी होती है, उसका नहीं हम लोगों को ख्याल करना। आप सभी लोगों से हम कहना चाहते हैं कि किसी का कोई रोल नहीं है। मोदी जी ने कह दिया सबका घर बनेगा तो आपका कोई काट नहीं सकता। अब भ्रम हो जाता है कि फलाने कटवा दिए हमारा, वो हमारा पैसा रुकवा देंगे। कोई आपका ना पैसा रुकवा सकता है ना कोई आपका आवास करवा सकता है, कोई आपका शौचालय नहीं करवा सकता। आपके घर शौचालय नहीं तो शौचालय बनेगा, आप अपने रिश्तेदारी में बता दीजिए। हाँ, जिसका पहले से बना है तो उसको नहीं मिलेगा।